जबलपुर में कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों में प्रशासन के लोग भी सामने आ रहे हैं। पहले एक आईपीएस अधिकारी, एक तहसीलदार, 5 पुलिसकर्मी और अब एक नगर निगम का उपयंत्री भी कोरोना की चपेट में आया है। बुधवार देर रात आए आईसीएमआर लैब की रिपोर्ट में नगर निगम जबलपुर का उपयंत्री कृष्ण रावत कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जबलपुर में बुधवार को 6 कोरोना पॉजिटिव प्रकरण सामने आए। जबलपुर में अब कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या 84 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिस तरह पहले 15-20 पॉजिटिव प्रकरण सामने आ रहे थे, वो अब आंकड़ा 6 पर सिमट रहा है और आने वाले समय में यह आंकड़ा 1-2 पर आ जाएगा। कितनी रिपोर्ट आज जो है करीब 70-75 रिपोर्टें आई हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आई हैं, जिसमें से एक सीता सिंह है जो कटनी में थी, कटनी से उनका सैंपल गया था, वो पॉजिटिव आई हैं, लेकिन रहने वाली वो जबलपुर की हैं, है ना, रहने वाली वो जबलपुर की ही हैं और 6 पॉजिटिव आई। और अब जो पहले ट्रेंड था 15-20 का, वो कम होके 6-8 पे सिमट गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय में इसको 2-3 पे सिमट के रोका जा सके। भैया तो कितने जगह अभी क्वारंटाइन हुआ है और कितने रेड जोन बनाए गए? लगभग 13 जोन बनाए हैं हमने कंटेनमेंट जोन और करीब हमने 85,000 लोगों का सर्वे ऑलरेडी कर लिया है। 89,000 में से 85,000 का सर्वे कर लिया है, 4,000। जो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।